हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। कॉस्ट अकाउंट के मशीन आवर रेट चैप्टर के सारे क्वेश्चन साहित्य भवन पब्लिकेशन के केएल गुप्ता राइटर के बुक से लिया गया है। चलो, नंबर 6 भी दिया था क्या तुम लोग को? मैं नहीं, हाँ दिए थे। नंबर 6 बन गया सबका? हाँ सर, बन गया। आ जाओ वापस एग्जांपल्स में। एग्जाम्पल में हमने कहां तक बनाया था? एग्जाम्पल नंबर 6 तक बना लिए थे हमने, सर नहीं 5 तक बन गया था। अब एग्जाम्पल 6 बनाएंगे। सीखो सब एग्जाम्पल नंबर 6। कंप्यूट मशीन आयर रेट फॉर मशीन नंबर 85। एक ही मशीन का बनाना है, 85 मशीन्स का नहीं बनाना है, मशीन नंबर 85। 85 नंबर में कोई मशीन होगा तो एक मशीन का बनाना, और हमेशा एक ही का बनाना रहता है, तो एक मशीन का बनाना है आपको। कॉस्ट दिया है, स्क्रैप दिया है, इफेक्टिव लाइफ दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ, अंडरलाइन कर दो होल लाइफ। उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस फॉर शॉप, अंडरलाइन करो स्टैंडिंग चार्जेस शॉप का है। अब एक शॉप के अंदर कितना मशीन है ये अपन को नहीं मालूम, जैसे वर्कशॉप था वैसे शॉप का स्टैंडिंग चार्जेस। फॉर अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डे, ये भी अंडरलाइन करो। एक महीना आपका 25 दिन का होता है, कैसे सर? एक महीना तो 30 दिन का होता है, ये 25 दिन कैसे बोल रहे हैं? 5 दिन की छुट्टी होगी संडे वगैरह जब मशीन आपका नहीं चलता, तो 5 दिन के 25 के हिसाब से वर्किंग डे यूज करना है आपको। आगे नंबर ऑफ मशीन इन अ शॉप, तो ये शॉप के अंदर आपके पास कितने मशीन है? शॉप के अंदर आपके पास 10 मशीन है। नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप, शॉप में 10 मशीन है, तो जो भी शॉप का खर्चा होगा उसको 10 से डिवाइड करूंगा मैं। फिर वर्किंग आवर पर डे, एक दिन में 8 घंटा चलता है, तो टोटल कितना दिन चला मेरा? 25 दिन। 25 दिन में कितना घंटा चलेगा पता कर लो, निकालूंगा अभी मैं। पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ, एक महीने का खर्चा दिया हुआ है। इसके बाद मशीन इंश्योरेंस 5% ऑफ डेप्रिसिएशन, मशीन इंश्योरेंस 5% ऑफ डेप्रिसिएशन, यही गलत होगा बस। आप फॉर्मेट की चो देखें क्या सीखोगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? तुम लोग को नहीं मिला सर? न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है ये, बताओ न्यू बुक वाले। पूरा पढ़ दिया यार, उसके बाद भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आज क्या ही कर रहे हैं। न्यू बुक एग्जांपल 6 है, एग्जांपल 6 है भैया, एग्जांपल 6 ही है। मैं भी 6 बोला, 6 में दिया सबके में। पहली बार मेरे को असहाय लग रहा है ऑनलाइन पढ़ाने में, लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है, पूरा पढ़ रहा हूँ उसके बाद बोल रहे हैं मिल नहीं रहा है। सर बैक क्वेश्चन करा रहे हो कि एग्जांपल करा रहा हूँ छोटे? अच्छा सॉरी सर, मैं क्वेश्चन देख रहा था, एग्जांपल में है। पर्टिकुलर टोटल पर आवर वर्किंग आवर्स 25 दिन चलता है और एक दिन में 8 घंटा चलता है, तो टोटल कितना आ रहा है जरा देखो? 400 वही तो मैं बोलूं यार, मेरा टेबल 25 8 200 होता है, इसका 400 कैसे आ गया? और ये 200 तुम्हारा मंथ है, एक महीने में 25 दिन होता है, 25 दिन है और एक दिन में 8 घंटा चलता है, तो 200 घंटे चला आपका एक महीने में। 200 घंटे हैं ये, चालू करते बनाना। लिखा सबने यहां तक? चलो सबसे पहले हेडिंग डालूंगा स्टैंडिंग चार्जेस। चार लाइन छोड़ देता हूं, अंदर नीचे लिखता हूं वेरिएबल चार्जेस।
इसके बाद सीधा चालू करूंगा वर्किंग नोट से काम। वर्किंग नोट में आते हैं, डेप्रिसिएशन निकालना। चलो निकालो डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पर आर, कॉस्ट कितना है हमारे पास 11,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, वर्किंग लाइफ कितना है 10,000 hours, बोलो एक आ रहा है सबका। इतना देर से बना रहे हो डेप्रिसिएशन, आ गया। लिखो यहाँ डेप्रिसिएशन, इस कॉलम में 1 रुपए, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर लाइफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर लाइफ। लाइफ दिया है, लाइफ तो किससे डिवाइड करोगे, 10,000 से डिवाइड करो, लाइफ दिया है, बोलो। पॉइंट टू फाइव। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, आ जाओ स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस शॉप का है, तो ये जो 400 है ये शॉप का है, और एक शॉप में 10 मशीन है, तो यहाँ 40 आएगा। ये समझ में आया क्या थ्योरी सबको, जो 400 है ये शॉप का है और एक शॉप में 10 मशीन है, तो एक मशीन का 40 रुपए आएगा। पावर के बारे में पढ़ते हैं, पावर यूज्ड पर मंथ निकाल कर तो दे दिया, पावर यूज्ड पर मंथ, एक महीने का 75 है, मंथ का है तो 200 से डिवाइड करो, मंथ का है तो 200 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 0.375। अब आप लोगों को थोड़ा सा सुनना है ध्यान से, अगला जो पॉइंट है इंश्योरेंस है। बताओ इंश्योरेंस वेरिएबल में लिखते हैं कि स्टैंडिंग में लिखते हैं, इंश्योरेंस स्टैंडिंग में आएगा, लेकिन यहां अपन से गलत हो जाएगा। इंश्योरेंस स्टैंडिंग में सही है, यही आएगा, लेकिन बोला क्या मालूम, डेप्रिसिएशन का 5%, मतलब 1 रुपए का 5% निकालो, 1 रुपए का 5%, 0.05। सुनो इधर ध्यान से देखो, तो इस कॉलम का 5% कर रहा हूं, तो क्या इसको यहां लिख सकता हूं मैं, ये पर आर है, मतलब ये प्योर आंसर है और ये टोटल आंसर है, तो क्या ये 1 रुपए का 5% निकालूंगा तो यहां तो नहीं लिख सकते सर इसको, इसको तो यहां लिखना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन का रूल होता है कि इसके लिए आपको यहां लिखना है। मालूम है ये जो डेप्रिसिएशन है 1 रुपए पर आर है। हाँ सर सही है। अब इसका जब 1 रुपए का तुम 5% निकालोगे तो ये जो 0.5 आया, 0.5, ये भी पर आर निकला है, इसका निकालोगे तो पर आर इधर आना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको और ये वाले कॉलम स्टैंडिंग में तो यहां लिखते हैं सर, ये जो 0.5 निकाल रहे ये पर आर है, पर आर यहां लिखना चाहिए था 0.5, लेकिन हमको यहां लिखना है, तो क्या करूं कि इधर लिख सकूंगा, बताओ
कौन दिमाग लगा रहा है? ऐसा क्या करूं कि यहां से इसको इधर लिख दूं? ये जो 0.5 सही है, ये पर आर है, इसको टोटल करके लिखना है। क्या करूं कि इधर आ जाए? कोई है सर? 200 में से गुणा कर सकते हैं, 200 से इंटू कर सकते हैं। और कोई? बाकी लोग? इतने सारे लोग हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले का तवाज ही नहीं आ रहा किसी का। ये जो पर आर है, इस कॉलम का अमाउंट है, इस कॉलम का अमाउंट इसी कॉलम में जाना चाहिए, लेकिन लिखते हैं टोटल में है। तो ये जो तुम्हारा आया 0.25 ना, इसको 200 से इंटू करके लिखो। यहाँ पर 200 से इंटू करके लिखना है, 0.5 को 200 से इंटू करके लिखना। मतलब मैं अगर वर्किंग नोट में जाता हूं तो देखो मैं वर्किंग नोट में क्या कर रहा हूं। इंश्योरेंस 1 रुपए का 5% 0.05 आया। इंश्योरेंस पर मंथ निकालता हूं मैं, पर मंथ कैसा आएगा? इंश्योरेंस पर मंथ, पर मंथ चाहिए अपन को क्योंकि टोटल का कॉलम है। तो ये 0.05 को 200 से इंटू कर दो, बोलो कितना रहे? 10 रुपए इधर लिखोगे तब जाकर ये तुम्हारा टोटल में आएगा, नहीं तो ये कॉलम का 5% निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा। और स्टैंडिंग का रूल होता है कि उसको टोटल में लिखा जाता है, इसीलिए बुक ने क्या किया, डेप्रिसिएशन को ऊपर लिख दिया। देखो बुक का सॉल्यूशन में जाओ, देखो बुक वाले ने डेप्रिसिएशन ऊपर लिख दिया। ऐसे में तुम लोग बोलोगे सर कभी डेप्री नीचे लिखा तो कभी ऊपर लिखा, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं देखता। 1 रुपए का 5% 0.05 करेक्ट आंसर है सर, लेकिन उसको बिकॉज स्टैंडिंग में डालना है तो उसका टोटल वैल्यू चाहिए, ये तो पर आर वैल्यू है। तो जब यहां से यहां जाते हो तो डिवाइड करते हो, तो यहां से यहां जाने से इंटू करना पड़ेगा। इस कॉलम से इस कॉलम में आने के लिए डिवाइड करते हो, तो इस कॉलम से इस कॉलम जाने के लिए इंटू करना है। लो जोड़ लो इसको 50 रुपए, फिर स्टैंडिंग पर आर, पचास को डिवाइड कर दो 200 से, तो सब कुछ 1 घंटे का निकल जाएगा। बोलो अब इनको जोड़ लो 1.875। बुक में देख आ रहा है, अब पेपर में क्या गलती होगा मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, पता ही नहीं चलेगा। 1 रुपए का 5% सीधा यहाँ पर तुम लोग ये लिख कर आ जाओगे, ये जो 10 है ना यहाँ पर शायद आप ये लिख दोगे, भाई ये जो 0.5 है ये पर आर है, इसको यहाँ नहीं लिख सकते, तो इस कॉलम में लाने के लिए इंटू कर देना, यही पर बस गलत होगा, ध्यान देना। इतना इजी इजी क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट बनता है। टफ क्वेश्चन तो देखोगे अभी। बढ़ू आगे? हो गया सबका? एग्जाम्पल नंबर 7 में आ, एग्जाम्पल नंबर 7। इन अ फैक्ट्री डिपार्टमेंट अ मशीन कॉस्ट 1,15,000, एक मशीन का लागत 1,15,000 है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल वर्क फॉर अबाउट 20,000 आवर्स, अनुमान लगाया कि 20 घंटे चलेंगे। एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू, उसका स्क्रैप वैल्यू 15,000 है, फुल स्टॉप, ठीक। द रेंट ऑफ द फैक्ट्री, अंडरलाइन करो, रेंट ऑफ द मशीन नहीं है, पूरे फैक्ट्री का रेंट है, अंडरलाइन करो, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट है ये 4,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। एंड 25% ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट इज यूटिलाइज फॉर कंडक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन, और ये मशीन आपका 25% जगह खाता है, जो किराया है पूरे पूरा फैक्ट्री का किराया है उसमें से 25% जगह अपना मशीन खाता है। डायग्राम से सिखाऊंगा। वन फॉरमैन एंड वन अटेंडेंट आर एम्प्लॉयड, एक फॉरमैन रखा है अपने और एक अटेंडेंट रखा है अपने,
जिसकी सैलरी है 2000 रुपए और 1000 रुपए पर मंथ, ठीक है 2000 रुपए 1000 रुपए पर मंथ की सैलरी है, टू वर्क ऑन वन मोर मशीन ऑफ अ सिमिलर टाइप, मतलब ये जो अटेंडेंट और ये जो फोरमैन है इन लोग एक और मशीन भी चेक करते हैं, लोग दो मशीन देखते हैं। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा पूरा। द एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ इनकर्ड ऑन द डिपार्टमेंट वर एज फॉलोज, बाकी का एक्सपेंसेस नीचे दिया हुआ। लाइट चार्जेस फॉर द डिपार्टमेंट 800 रुपए, अंडरलाइन करो डिपार्टमेंट का खर्चा ये। आगे हैविंग 16 पॉइंट इन ऑल आउट विच ओनली 4 पॉइंट आर यूज्ड, यहीं पर समझ में आ गया। अब तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आ रहा था, उसके बाद यहां से कई लोगों का सरेंडर हो जाएगा। अभी समझाऊंगा पूरा, तैयार रहना। टोटल पावर यूज्ड फॉर टू मशीन्स ऑफ इक्वल हॉर्स पावर 3200 रुपए दो मशीन का है। इनडायरेक्ट लेबर फॉर द मशीन्स, इनडायरेक्ट लेबर फॉर द मशीन्स 500 रुपए, रिपेयर एंड रिन्यूअल 400 रुपए है। गया क्वेश्चन, नीचे पढ़ो क्या लिखता है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मशीन आवर रेट फॉर वन मंथ व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर 40 आवर अ वीक, एक सप्ताह में 40 घंटा चलता है और एक महीने का बनाना है। कुछ समझ में नहीं आया सर, टोटल क्वेश्चन नील, लेकिन मेरा प्रॉमिस अभी ये क्वेश्चन सिखा दूंगा, बस सुनना ठीक से और लिखना बंद कर दो, माइक बंद कर दो, सिर्फ सुनो क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले वर्किंग नोट मैं बना रहा हूँ ना, तुम लोग नहीं बना रहे, सिर्फ देखो, जब लिखने बोलूंगा तब लिखना, अब ये क्वेश्चन सिर्फ सीखना है। वर्किंग नोट, वर्किंग आर पर वीक, एक वीक में कितना चलता है, नीचे लाइन से चालू किया बताओ, एक वीक में कितना चलता है, 40 आवर चलते हैं, तो वर्किंग आवर पर मंथ कितना होगा, एक महीने में कितना मंथ होता है, एक मंथ, एक महीने में कितना वीक होता है, 40 × 4 वीक 160 आवर, ये तुम्हारा आ गया वर्किंग आवर। माइक बंद कर ले, बहुत आवाज आ रहा है। वर्किंग आर 160 आर आया एक महीने का, ये पहला काम हुआ तुम्हारा। अब सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, लिखने वाले बंद कर दो लिखना। ये आपका फैक्ट्री, और अच्छे से बनाते, ये आपकी फैक्ट्री, आपका मशीन कहाँ लगा इस फैक्ट्री में, आपका मशीन कहाँ लगा इस फैक्ट्री में पता करो। 25% एरिया में लगा है, मतलब अगर मैं इसको बांट देता हूं एरिया में, ये एरिया में बांटता हूं, तो ये जो 25% एरिया है यहीं पर मेरा मशीन लगा है, यहीं पर मेरा मशीन लगा। तो जो रेंट दिया है तुमको, तो सबसे पहले रेंट दिया होगा, वो रेंट किसका है, इस एरिया का है कि पूरे फैक्ट्री का रेंट है, पूरे फैक्ट्री का रेंट है ना, और मेरे को 25% के हिसाब से चाहिए, तो मैं 25% निकाल लूंगा। ये थ्योरी तो समझ में आ गया, ठीक है, देखते जाओ, सिर्फ और सिर्फ देखना, इसके आगे नहीं बढ़ना, अभी लिखने का काम नहीं है तुम्हारा। स्टैंडिंग चार्जेस, एक दो तीन चार पांच छह लाइन छोड़ा हूं मैं, 7-8 लाइन छोड़ देता हूं सेफ रहने के लिए। वेरिएबल चार्जेस उसके नीचे, सर कैसे पता चलेगा रेंट है, सैलरी है, इनडायरेक्ट सब आएगा, वेरिएबल भी चालू कर। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं तुम्हारा डेप्रिसिएशन, ये वर्किंग नोट बनाऊ डेप्रिसिएशन का। बोलो कॉस्ट ऑफ मशीन कितने का बोलना पड़ेगा मेरे पास, 1,15,000, 1,15,000 स्क्रैप वैल्यू 15,000, वर्किंग लाइफ पता करो, ऊपर में लिखा हुआ था वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ पहले ही थ्योरी में लिखा हुआ ऊपर, 20,000 घंटे, बोलो कितना रहा डेप्रिसिएशन, 5 रुपए। अब ये वर्किंग नोट मिटा रहा हूं मैं, इतना कोई कमजोर नहीं है कि डेप्रिसिएशन ही नहीं बना पाएगा, ये मेरे को नहीं चाहिए, सिखाना भी नहीं था मुझे,
डेप्रिसिएशन 5 रुपए आ रहा है सबका। यस आगे बढ़ते हैं। सो रेंट, रेंट आता है इसमें, रेंट पूरे फैक्ट्री का रेंट दिया हुआ है, रेंट जो दिया है वो पूरे फैक्ट्री का रेंट दिया है आपको, पूरे फैक्ट्री का रेंट है। अब पूरे फैक्ट्री का रेंट को क्या करेंगे देखते जाना, वर्किंग नोट। शुरुआत लिखा हुआ रेंट ऑफ द फैक्ट्री, मैं भी लिखा रेंट ऑफ द फैक्ट्री, चार हजार दिया पर मंथ, ठीक है पर मंथ में बनाना, ये भी पर मंथ है, पर मंथ ठीक है। फिर उसके बाद एरिया टेकन बाय मशीन या ऑक्यूपाइड बाय मशीन, कितना एरिया लेता है मशीन, 25% बाय मशीन 25%, तो रेंट फॉर दिस मशीन, इस मशीन में कितना लगेगा रेंट, 4000 का 25% बोलो 1000। तो ये मेरा आया रेंट 1000। किसी को डाउट है तो यहीं पर रोक लो, डेप्रिसिएशन आता है सबको। रेंट पूरे फैक्ट्री का था और मेरा एरिया लेता है 25%, तो 25% में 1000 निकाल दिया, रेंट बना हमारा। आगे बढ़ते हैं, वन फोरमैन, चलो सुनाता हूं मैं तुमको ये फोरमैन वाली कहानी, देखो वर्किंग नोट। एक फोरमैन है तुम्हारे पास और एक अटेंडेंट है तुम्हारे पास, बोलो फोरमैन की सैलरी कितना है, 2000 पर मंथ है, सही है सर, पर मंथ रहना चाहिए। और अटेंडेंट की सैलरी कितना है, 1000 रुपए पर मंथ। और उसके बाद लिखा है टू वर्क वन मोर मशीन, मतलब एक मशीन तो देखते ही है ये लोग, एक मशीन तो देखते ही है, प्लस वन मोर मशीन, एक और मशीन देखते हैं, मतलब इस आदमी को फोरमैन को जो 2000 मिल रहा है वो एक मशीन को देखने के लिए मिल रहा है कि दो मशीन को देखने के लिए मिल रहा है, बोलो दोनों, दो मशीन को देखने के लिए, नहीं 2000 रुपए इसको और इसको, ये दोनों को पेमेंट मिलता है इस मशीन के साथ, वन मोर मशीन, वन मोर मशीन मतलब इसका जो पेमेंट है इसमें दो मशीन देखता है, इसका जो पेमेंट है इसमें भी दो मशीन देखता है। तो क्या लिख रहा हूं देखना वर्किंग नोट में, सैलरी ऑफ किसका था पहला, सैलरी फोरमैन, सैलरी ऑफ फोरमैन 2000 रुपए पर मंथ, सैलरी ऑफ फोरमैन फॉर वन मशीन, एक मशीन के लिए कितना आएगा, तो 2000 दो मशीन का था, एक मशीन का 1000 आएगा। फिर वैसे करना यहां पर और लिखते हैं सैलरी ऑफ, अगला कौन था अटेंडेंट, कितना मिल रहा है इसको 1000 रुपए पर मंथ, ये भी कितना मशीन देखता है, वन मोर मशीन मतलब दो मशीन देखता है, सैलरी ऑफ अटेंडेंट फॉर वन मशीन, एक मशीन के लिए निकालना है। तो ये 1000 रुपए दो मशीन का था, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना निकल गया 500। ये 500 रुपए एक मशीन का है, ये 1000 रुपए एक मशीन का है, एक फोरमैन है एक अटेंडेंट है, ये इसकी सैलरी है, ये इसकी सैलरी है, लोग साथ में वन मोर मशीन, वन मोर मशीन मतलब दो हो गया ना, एक तो देखता ही था साथ में एक और देखता है। तो फॉर्मेट में आते हैं सैलरी ऑफ फोरमैन, कितना निकाले थे वर्किंग नोट से, 1000। फिर लिखते हैं सैलरी ऑफ अटेंडेंट, कितने का अटेंडेंट की सैलरी, 500। ये निकला तुम्हारा, तो आराम से वर्किंग नोट मैं तो पूरा डिटेल बनाऊंगा ताकि कल चल के जब आप देखोगे 3-4 महीने बाद तो आपको दिखेगा,
और ये डायग्राम भी तुमको बनाना रहेगा सी, ये मशीन इसके साथ दो मशीन है। और आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ। द एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ, मंथ का खर्चा दिया नीचे है ना, क्या दिया, लाइटिंग चार्जेस। जरा लाइटिंग चार्जेस को सीखते हैं। ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपका शॉप है। अब इस फैक्ट्री में क्या लिखा हुआ सुनना, लाइटिंग चार्जेस डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट का 800 रुपए आ रहा लाइटिंग चार्जेस, पूरे डिपार्टमेंट का 800 रुपए लाइटिंग चार्जेस। कितने पॉइंट्स लगे इसमें, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सोलह पॉइंट्स लगे हैं इसमें। देखो लिखा है क्या, हैविंग 16 पॉइंट्स। हाँ भाई। अब बताओ 16 पॉइंट किस में लगा है, एक मशीन में लगा है कि पूरे डिपार्टमेंट में लगा है 16 पॉइंट। पूरे डिपार्टमेंट। और अपना एक मशीन में कितना पॉइंट लगता है वो देखो, चार। तो ये देखो तुम्हारा एक एक मशीन रखता हूं मैं, ये जो एक मशीन है तुम्हारा, इस मशीन में सिर्फ यही वाला, इसी का लाइट पड़ता है। ये जो चार पॉइंट थे ना, ये चार पॉइंट का लाइट पड़ता है एक मशीन में। अब सर इसको बनाएंगे कैसे सुनना, ये जो 800 रुपए किसका है, एक मशीन का कि पूरे डिपार्टमेंट का, 800 रुपए पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे डिपार्टमेंट। फिर देखो लाइटिंग चार्जेस, लाइटिंग चार्जेस फॉर डिपार्टमेंट 800 रुपए, लाइटिंग चार्जेस फॉर अ मशीन, एक मशीन में कितना लगेगा, तो बताओ पूरे डिपार्टमेंट में कितना पॉइंट था, पूरे डिपार्टमेंट में कितना पॉइंट था, चार। पूरे डिपार्टमेंट में कितना पॉइंट, सोलह। और अपन को एक मशीन में कितना पॉइंट चाहिए, चार। आप बताओ कितना, 200। बोलो आया क्या समझ में, ये डायग्राम बहुत हेल्प करता है समझने में। एक डिपार्टमेंट में 16 पॉइंट था और अपना एक मशीन में सिर्फ 4 पॉइंट चाहिए, तो ये जो 800 है तो पूरा 16 पॉइंट का था, 16 से डिवाइड करो 4 के लिए, तो 4 का चाहिए। एक समझ करना, क्योंकि यहाँ 4 पॉइंट लगता है एक मशीन को चलाने में, तो 200 रुपया लाइटिंग चार्जेस यहाँ पे पुट करता हूँ, लाइटिंग चार्जेस, लाइटिंग चार्जेस 200 आया। और पढ़ो उसके बाद क्या लिया, लाइटिंग चार्जेस के बाद पावर नीचे लिखूंगा, पावर इसके लिए भी वर्की नोट, यहीं पर पावर का वर्की नोट कर देता हूं, यहां जगह है मेरे पास। पढ़ो पावर के बारे में क्या लिखा है, टोटल पावर यूज्ड फॉर टू मशीन, पावर फॉर टू मशीन, बोलो दो मशीन का पावर कितना है, 3200 रुपए। तो आपको दो मशीन का चाहिए कि एक मशीन का चाहिए, एक मशीन का। पावर फॉर वन मशीन करो, 3200 का 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया एक मशीन का पावर, 1600। लेकिन 1600 एक महीने का है, ऊपर हेडिंग लिख दिया था मंथली खर्चा है, तो 1600 को 160 से डिवाइड करूंगा, यहाँ तो तुरंत डिवाइड करते हैं, कितना 10 आ गया। ये वाला जब वेरिएबल करते हो तो तुरंत डिवाइड करना पड़ता है, फिक्स्ड को एक साथ टोटल डिवाइड करते हैं। और बताओ क्या लिखा है, इनडायरेक्ट लेबर फॉर द मशीन, इनडायरेक्ट लेबर ही पर आएगा, 500। इसमें तो कुछ नहीं लिखा है ना, इनडायरेक्ट मशीन, ये आ गया 500। उसके बाद रिपेयर यहाँ पर आएगा, रिपेयर, ये रिपेयर पढ़ो तो एक महीने का है, क्या हेडिंग में लिखा हुआ था, ये वाला जो पैराग्राफ चालू हुआ तो वहीं पर हेडिंग में लिखा था एक महीने का है रिपेयर, 400 को डिवाइड करो 160 से, 2.5। ये डेप्रिसिएशन कितना था, मैं मिटा दिया, 10 रुपए आ रहा था डेप्रिसिएशन, 1 रुपए आ रहा था, 1 रुपए कितना रहा था डेप्रिसिएशन, देखो तो मिटा दिया, 1 आ रहा था, हो गया। और कुछ छूटा है क्या हमसे, ये 5 आ रहा था डेप्रिसिएशन, 5 आ रहा था, 5 आ रहा, 5, हां डेप्रिसिएशन 5 आ रहा था, हां 1 लाख कुछ आ रहा था 5। और कुछ पॉइंट छूटा है क्या, देखो तो नहीं, चलो अब इनको जोड़ो,
टोटल स्टैंडिंग करो, तीन हजार दो सौ आ रहा है, 3,200 को 160 से डिवाइड करो, 20 रुपए। अब इसको जोड़ो, 37.5। बताओ बुक का देख कर आंसर सही आ रहा है, 37.5। अब बताओ आंसर कितने पेज का है, आंसर कितने पेज का? सिर्फ एक, ये है ये मेन आंसर तुम्हारा, लेकिन इसके लिए वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन, फिर वर्किंग नोट टू बना, फिर एक तीन बन रहा है, फिर ये डायग्राम के साथ चार बनाओगे, फिर ये वाला डायग्राम के साथ पांच बनाओगे, पांच वर्किंग नोट बन रहा तुम्हारा, पांच वर्किंग नोट। कई सारे लोग क्या करते हैं मालूम, तुमको शॉर्टकट सिखाऊं मैं, क्या है सब यहीं पर कर देते हैं, रेंट जो भी है डिवाइडेड बाय यहीं पर कर दिया 25%। कई लोग ऐसे करते हैं, बुक में देखते ऐसे किया कि वहीं पर 25% कुछ कुछ करके दिया, यहीं पर दो से डिवाइड कर दिया, यहीं पर दो से डिवाइड कर दिया, यहीं पर 16 से डिवाइड करके 12, 4 से इनटू कर दिया, जो भी किया यहीं पर करा। आप ऐसा मत करो ना, ऐसा करोगे तो 15 नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा कैसे, एक पन्ने के लिए थोड़ी ना 15 नंबर देगा। कोई एक बच्चा जो सिर्फ एक पन्ने का लिख दिया है, और कोई एक जना है जो पूरा वर्किंग नोट के साथ बनाया, तो नंबर तो वर्किंग नोट वाले को मिलेगा। अब कई लोग चीटिंग भी चलता है कुछ के कॉलेज में, तो लोग यही पन्ना लिख कर आएंगे फिर भी उनका नंबर नहीं बढ़ता, क्योंकि अपन वर्किंग नोट बना सकते हैं। तो चलो सॉल्यूशन चालू करो और एक एक वर्किंग नोट लिखो, जो वर्किंग नोट में डाउट होगा पूछना, पहले सॉल्यूशन लिखो, जो पढ़ाई करता है वही बस वर्किंग नोट बना पाएगा, छापने वाले वर्किंग नोट नहीं बना पाते। भैया एक बार डायग्राम वाला दिखाओ ना, पहले ये पन्ना लिख ले सबके साथ, एक साथ पलटाऊंगा ना एक बार, क्या थोड़ा सा टाइम दे देकर सबको दिखाऊंगा। पहले ये पन्ना लिख ले, मेन फॉर्मेट वर्किंग, मेन क्वेश्चन उतारो, फिर एक एक करके सबको जाएगा। हो गया क्या वाला पेज? आप भैया नहीं भैया
सर हाँ बोल सर, ये जो वर्किंग आवर पर वीक लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे वाले लाइन में वर्किंग आवर पर मंथ होगा ना? हाँ पर मंथ होगा सर। उधर है यहाँ पर वीक नहीं है, यहाँ पर मंथ चेंज कर दो प्लीज। और किसी के लिए रुकना क्या इसमें? एक बार की नोट मेलोडी बनाना डेप्यूटी सेशन में। सर चेंज कर दो सर, बाकी लोगों को बता दे। नहीं 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 पांच तारीख के बाद से फिर पासवर्ड चेंज करूंगा, जिनका अभी तक कोई भी क्लियरेंस नहीं हुआ है। 8-9 लोग बचे हैं अभी भी। ये वो फीस देने का टाइम बता दो। फीस देने का टाइम शाम के 4-7 चल जाए। 4-7 हाँ जाएगा सुबह भी। ये हो गया चेंज कर दो। और किसी के लिए बचा है क्या?
लाइटिंग चार्जेस फॉर डिपार्टमेंट है और लाइटिंग चार्जेस फॉर मशीन है। इसके बाद एक बार फर्स्ट पेज लगाना है। एक मिनट इसके बाद लगाऊंगा इसको लिखने में। हो गया भैया। हो गया सबका? हाँ भैया। किसी का छूटा है? फर्स्ट पेज एक बार की नो टेम्परी बनाओ तुरंत। नहीं बनाया हो टेम्परी सेशन तुरंत की नो। नंबर एट होमवर्क, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट होमवर्क। यह सबने क्वेश्चन नंबर आठ को होमवर्क डालो। उसके बाद पढ़ना है क्या थोड़ा सा? क्या दिया है? आठ में 7500 दिया होगा। क्या बोल रही है लड़के ने? क्वेश्चन नंबर एट में 7500 दिया पहला वैल्यू। हाँ भैया एट में। हाँ एट के बाद और क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13 बना के देखना। क्वेश्चन नंबर 13 आराम से पढ़ना, दिमाग लगाना बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 बस दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनेगा आपसे।